हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप सिंह है और आप देख रहे हैं CTS चैनल। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि BMC मशीन में GoTo का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। एक मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है जो कि 21/2/2020 को बनाया गया है और ये BMC मशीन का प्रोग्राम है जिसमें हमने एक जगह यहाँ पे GoTo का यूज किया है। इसमें BMC मशीन में GoTo का यूज किस किस सिचुएशन में किया जाता है। देखिए, एक तो हमारा क्या होता है, कोई सा अगर रिवर्क करना होता है उसमें कर लेते हैं, या दूसरी कोई प्रोग्राम बनानी हो, प्रोग्राम चलानी हो तो उसमें कर लेते हैं। तो GoTo का यूज इसी तरह से किया जाता है। और इसको हम कहाँ पे डालते हैं, सबसे ऊपर हम नहीं डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा ये सब प्रोग्राम नंबर है जो कि हमारा वर्क ऑफसेट होगा, ये भी वर्क ऑफसेट है। तो हम चाहें तो सब प्रोग्राम बना के डाल सकते हैं हमारा जो भी वर्क ऑफसेट है, टूल ऑफसेट है, नहीं तो हम यहाँ पे G10 डाल के उसको बना सकते हैं, या अपना जो भी ऑफसेट होता है उसमें हम उसको डाल सकते हैं। तो उसके बाद ही हम जाके GoTo की यूज करेंगे, नहीं तो अगर जब तक हमारा मशीन वर्क ऑफसेट नहीं पड़ेगी, अगर वो GoTo हम ऊपर डाल देते हैं तो हमारी एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो जैसे यहाँ पे पड़ा है GoTo 110, तो GoTo हमारा जो ये 110 है, ये क्या है, ये हमारा सिक्वेंस नंबर है। ये हमारा मशीन सिक्वेंस नंबर को फॉलो करती है। जैसे हमारा ये N10, ये सीक्वेंस नंबर है। आगे चलेंगे, यहाँ N30 है, उसके आगे N50 है। तो ऐसे ही ये जो N होता है ये तो सीक्वेंस नंबर होता है, उसी प्रकार सीक्वेंस नंबर जितना डाल देंगे, मान लीजिए हम N10 डाल दें तो हमारा मशीन यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डाल रखा GoTo 110, तो हमारा सीक्वेंस नंबर 110 पर मशीन जाएगी। 110 90 100 110, ये हमारा स्पॉट फेसिंग का ऑपरेशन है जिसमें हमारा मशीन 110 पे जाके इसके बाद वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। और इसके नीचे जितने हमारे कंटिन्यूस जितने हमारे प्रोग्राम पड़े हैं सब रीड मशीन करेगी, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये GoTo जो है, अगर ये कोष्ट में, ये जो कोष्टक है इसमें अगर ये लगा हुआ है तो यानी ये प्रोग्राम को रीड नहीं करेगा। अगर हमें प्रोग्राम को रीड कराना है तो ये कोष्ट हटानी पड़ेगी। जैसे हम कोष्ट ये डिलीट कर देंगे तो हमारा ये मशीन प्रोग्राम को यहाँ तक रीड करेगी, उसके बाद इसको रीड करने के बाद डायरेक्ट GoTo 110 यानी सीक्वेंस नंबर उतना पहुँच जाएगी। अगर ये लॉक रहेगा, ये अगर लॉक रहेगा तो ये मशीन इस पॉइंट को ना पढ़ के बल्कि हमारा ये N10 से स्टार्ट कर देगी प्रोग्राम को रीड करना। तो इसका ऑलमोस्ट वही दो चीज़ में, या तो वार्म अप वगैरह प्रोग्राम बना देते हैं, जैसे वार्म अप चलाते हैं मशीन को 10 मिनट 5 मिनट, तो उसकी प्रोग्राम बना देते हैं, प्रोग्राम वो सीक्वेंस नंबर करके सबसे नीचे डाल देंगे, वार्म अप ड्राई रन भी कहते हैं, तो उसका प्रोग्राम बना के हम सबसे लास्ट में डाल देते हैं, फिर वहाँ हम सीक्वेंस नंबर डाल देते हैं तो हमारी मशीन को यहाँ से डायरेक्ट हम उस पॉइंट पर भेज सकते हैं। या क्या होता है कभी कभी कि हमारी मशीन बीच में रुक जाती है, मान लीजिए कि 2-3 ऑपरेशन हुआ, मान लीजिए ड्रिलिंग हो गया, टेपिंग करनी है, तो टेपिंग जब करते हैं उस समय अगर मशीन किसी अलार्म वश रुक गई तो फिर हम वहाँ से GoTo डाल के और उस पॉइंट पे हम चला सकते हैं उसको, ठीक है।